हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको जो मैं होम स्टे बना रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या क्या काम कर रहा हूं और क्या क्या मैं बना रहा हूं। तो रूम तो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, तो होम स्टे के बाहर जैसे कि बैठने के लिए, बॉन फायर के लिए, और व्यू कैसे दिख रहे हैं और व्यू कहाँ कहाँ से दिखते हैं, राइट से कैसे दिखता है, लेफ्ट से कैसे दिखता है, सामने से कैसे दिखता है, ये सब जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं मेरे लिए स्पेशली, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे जो है अपने होम स्टे का क्या नाम रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे होम स्टे पे आना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से जो है मुझे ढूंढ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, धन्यवाद। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि जो है अभी मैंने जो है सोलिंग कर रहा हूँ, जिसके ऊपर जो है सीमेंट और बजरी कुछ गटका पड़ेगा, और इसके बाद जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा स्लैब पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी मधुमक्खियाँ हैं जो कि मेरे लिए शायद जो है मेरे को घर में ही जो है मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, निकल रही है, और ये हमारे मिस्त्री साहब है, तो इनसे कुछ बात करते हैं। तो मिस्त्री साहब, कब तक ये खत्म होगा हमारा कार्य? शाम तक हो जाएगा, मतलब सोलिंग खत्म हो जाएगी, और उसके बाद इसमें सीमेंट कब तक गिरेगा? अच्छा, 3 दिन बाद इसमें जो है सीमेंट गिरेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं कुछ आपको और भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे भी प्लस गटका पड़ना है, और इसके ऊपर जो है सीमेंट पड़ना है। तो ये मैं आपको अपने टॉयलेट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अभी बना रखे हैं, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट बन रहे हैं। तो घर है छोटा सा, तो इसमें जो है अटैच बाथरूम और टॉयलेट नहीं बन सकते, तो इसके लिए मैं जो है साइड में अपना एक छोटा सा बाथरूम बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा मैदान बना रहा हूँ मैं। ये अपना यहाँ पे रेत आ चुका है और बजरी भी यहाँ पे आ चुकी है, और अभी जो है पूरा टिप्पर भर के जो है रेत और बजरी का आ चुका है, और कुछ टाइम में वो जो है उसका जो है ढुहान करना पड़ता है, जो कि मतलब पीठ में उठा के यहाँ पे लाना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मैदान में बना रहा हूँ या ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि बंदा जो भी यहाँ पे कोई होम स्टे पे आता है और बंदा अपना चिल अपना रिलैक्स करना चाहता है, तो यहाँ पे हम रात को बैठ के बोन फायर कर सकें। और साथ में हम होता है कुछ बंदे अपने हिसाब से मतलब अपना चिल मारना चाहते हैं, या फिर एकांत में बैठना चाहते हैं, शांति से बैठना चाहते हैं और धूप तापना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जो है इसको बना रहा हूँ ताकि हम शाम को बोन फायर कर सकें और दिन में बंदा जो है यहाँ के व्यू का कुछ आनंद ले सके। तो ये देख सकते हैं आप, जो कि मेरे घर के लेफ्ट साइड से जो मेरा व्यू कुछ इस तरीके से है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो है व्यू यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेंगे इस मैदान से, और ये जो है कुछ पेड़ पौधे मैंने जो है कुछ साल पहले लगा रखे थे, और जो कि अभी इतने बड़े हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छी जगह बन रही है, और मैं कमेंट में आपसे हर बार ये पूछता हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ घास मैंने यहाँ पर रखा है, तो घास के लिए घर तो वैसे बना रखा है, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे जो गाय पाल रखी है उसके लिए मैंने जो है स्टॉक यहीं पे रखा है, और जो नया स्टॉक जो बनेगा, जो नया घास, और जो अगर कहीं और जगह में कल कहीं गाय रखूँगा तो घास भी उसी स्टॉक हिसाब से रखे जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, और ये आप अभी देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है पत्थर और ये कर रहे हैं काम, और अभी तो फिलहाल सोलिंग हो रही है, इसके ऊपर जो है सीमेंट पड़ेगा, उसके बाद ये अपना बाथरूम तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं प्लम्बर ने अपना काम कर दिया है, अब जो प्लास्टर और टाइल लगना ही बाकी है, उसके बाद जो है हमारा बाथरूम तैयार है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैदान भी जैसे लगभग तैयार ही है, इसके ऊपर मैंने गटका नहीं डालना है, ये वैसे ही मिट्टी रहेगी ताकि मैं इसमें आग जला सकूँ, अगर कल दिन मेरे को घास उगाना हो उसमें और कुछ हरियाली के लिए कुछ अपना कुछ नया करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से जो मेरे घर से सामने से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे घर के सामने से है। तो चलिए अगले साइड से मैं दिखाता हूँ आपको व्यू मेरे घर से किस तरह से है, और अंदर से मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अंदर भी कुछ करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मिट्टी पूरी उखड़ी पड़ी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाला, ये पूरी मिट्टी है, और इसके ऊपर भी अभी जो है मिट्टी और लगनी है, क्योंकि जो घर है ये बहुत ही पुराने डिजाइन में बनाया गया है, और उसमें जो है पत्थर और लकड़ का ही यूज किया गया है, और इसकी लिपाई जो है मिट्टी से की गई है।
और ये मेरा गार्डन है जिसको मैं पहले भी आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो है मैंने घास उगा रखी है और बीच में स्लेट जो कि पत्थर है वो यहाँ का काफ़ी अच्छा पत्थर रहता है वो मैंने रास्ते में लगा रखा है और दोनों साइड वो फूल लगा रखे हैं और बीच में जो आप स्पेस देख सकते हैं इसमें जो मैंने घास उगा रखी है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो राइट साइड से जो व्यू आते हैं वो कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। और सामने मेरे को जो है यहाँ से जलोड़ी आपको जो देखने को मिलती है। जलोड़ी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लांबरी टॉप, सकीरन टॉप, इनको जो भी है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारी जगह है, देख सकते हैं आप। मेरा तो घर ही है तो मेरे को तो अपना घर प्यारा लगेगा ही। आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरा घर और मेरे घर से दिखने वाला व्यू आपको कैसा लगा, ये देख सकते हैं आप। और ये मेरे घर का एक बाहर से थोड़ा सा नमूना मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये घर है मेरा जो कि पूरा लकड़ से ही बना गया है, ये देख सकते हैं। और ये बैक साइड, और ये बिल्कुल साथ में ही है एप्पल के पेड़, ये देख सकते हैं आप। एप्पल के पेड़ है, द्यार के पेड़ है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे खेत बिल्कुल घर के साथ ही है। अगर कोई बिजाई करने का भी शौकीन है जो कि फार्मिंग करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके रुक सकता है और फार्मिंग कर सकता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप जो है वन विहार के लिए भी जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं काफी पुराना घर आपको यहाँ से जो देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल सामने है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि द्यार के पेड़ और एप्पल के पेड़ जो है आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और सामने आपको विलेज देखने को मिलता है जो कि जिब्बी है, ये आप देख सकते हैं जिब्बी है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं आगे वन विहार की ओर ले चलता हूँ और साथ में मैंने और क्या काम किया है वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मेरे खेत हैं और खेत में इस टाइम मैंने मक्की उगा रखी है और मक्की के साथ साथ राजमा भी मैंने उगा रखी है। और जैसे ये तैयार होगी तो राजमा मुझे कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो राजमा तो अपने खेत का ही रहता है जो कि मैं कहीं और से लेता भी नहीं हूँ। और ये आप देख सकते हैं नाशपत्ती का पेड़ है और जो यहाँ पे साड़ी बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं उसको, वो भी है। और ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रास्ता इसको जो है थोड़ा चौड़ा कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरा जो है रास्ता वन विहार के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं वन विहार के लिए, उसका मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से होके हमें जाना होता है और ये पूरा खेत ही है, खेत में चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप जो भी अपने खेत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना पूरा राजमा ही मैंने उगा रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितने सारे पत्थर जो है इसके बीच में आ गए, क्योंकि ऊपर जो मलबा मैंने निकाला, जो मैंने वो मैदान बनाया उसके चक्कर में जो है सारे पत्थर नीचे आ गए। और यहाँ से मेरा घर कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये मेरा घर है और इसकी एक खिड़की मैंने जो है अभी खोल रखी है, वो भी आपको दिख रही होगी। तो ये देख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल थोड़ा सा डाउन आने पर ही आपको जो है ऐसा दिखता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ कि आपको वन विहार जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं। तो मेरे घर से सीधा रास्ता आता है जिसके साथ आप मतलब वन विहार के लिए जा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो रास्ता वन विहार के लिए जाता है जो कि मैंने काफ़ी चौड़ा कर रखा है, ये जो ऐसे खेत का रास्ता जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको काफ़ी ज़्यादा तंग रहते हैं, तो स्पेशली लेबर लगा के मैंने जो है इस रास्ते को चौड़ा किया है। और ये देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ ये आ गया अपना वन विहार। इस रास्ते में अगर आप आगे जाते हो ये सामने, तो यहाँ से आगे आप पूरा अंदर तक जा सकते हैं और अंदर आपको जंगल लाता है, शांति से बैठ सकते हो। और ये आप देख सकते हैं मेरे खेत ही है नीचे तक, और ये द्यार के पेड़ देख सकते हैं आप। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जंगल में, मेरे को खुद भी आता है तो तभी मैं आपको भी बता रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आता है जंगल में। तो ये देख सकते हैं आप, और जंगल से कुछ व्यू ऐसे आपको जो है देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये व्यू है जो कि मेरे घर से ही आपको ऐसे दिखता है। और इसके साथ साथ आप जो है वन विहार के लिए जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बंदा मेरे पास आए, होम स्टे में आए, उसको मैं अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि मेरा घर जो है जो अपना मार्केट रहता है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, जो कि जीबी मार्केट जो है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाकी जो गांव है, जो मेरा विलेज है, उससे भी थोड़ा सा अलग मेरा घर है ताकि अपना थोड़ा सा फन कर सकें। तो पूछने वाला तो कोई है नहीं, ऐसे भी तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एंजॉयमेंट फुल मतलब फुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। तो ये देख सकते हैं आप, और ये घास लगा है, काफ़ी प्यारी दिखती है घास, ये सीजन टाइम पे घास लगती है और बाद में इसको जो है
चारे के लिए, गाय के चारे के लिए जो है काटा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, और ये है अपने नीचे तक खेत, और ये आप देख सकते हैं पूरा ये अपना ही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो अगर आप वर्क फ्रॉम होम में कर रहे हैं, घर में ही काम कर रहे हैं आप लोग, तो आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं और आप यहाँ पे बैठ के जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको अंदर ले चलूंगा और अपने खेत पे। तो ये मेरा खेत है जिसमें अभी जो है कुछ फूल उग रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप घर में ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे बैठ के इन फूलों के बीच में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, और ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर तक पूरा पेड़ वूड सब कुछ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये अखरोट का पेड़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये अखरोट का पेड़ है ये वाला, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो है कुछ टाइम बाद अखरोट आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये अपना वन विहार हो गया, और घर में क्या क्या काम हो रहा है ये हो रहा है। तो चले चलते हैं ऊपर, तो फिर कुछ और आपको दिखाते हैं। तो चले चलते हैं। मैंने आपको एप्पल के फूल दिखाए थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे आपको। तो अभी आप देख सकते हैं कि एप्पल इतने बड़े बड़े जो है हो चुके हैं, जो कि कुछ टाइम बाद जो है खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है एप्पल जो कि इतना बड़ा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और कुछ टाइम बाद ये जो है तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पहाड़ी कद्दू, ये आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ पत्ता आपको देख रहा है ये कद्दू है। और मीठा करेला जो कि पहाड़ों में लगता है, उसका जो है ये पेड़ है, इसमें जो है मीठा करेला लगेगा। वैसे कड़वा करेला तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पर मीठा करेला जो है पहाड़ों में उगता है, जो कि काफ़ी टेस्टी खाने के लिए उसकी सब्जी रहती है। और साथ साथ आप जो है बहुत ही आनंद ले सकते हैं पहाड़ों में आके। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फूल उगा रखे हैं, या फूल देख सकते हैं, ये फूल उगा रखे हैं। और ये है मेरा घर, और ये चला है काम, और यहाँ पे उगा रखी है कुछ सब्जियाँ जिसको मैं सीजन पे जो है खाने के काम आएगी। वैसे तो मक्की जो है तैयार हो गई है, मतलब ऊपर निकल गई है, तो कुछ टाइम बाद जो है उसमें भुट्टे लगेंगे तो खा सकते हैं। तो पहाड़ों में क्या रहता है कि भांग, जिसका सब लोग जो है हमेशा जिक्र करते हैं, जो भी यहाँ पे पहाड़ों में आता है, भांग का हमेशा जिक्र रहता है कि भांग क्या है। तो ये देख सकते हैं फूल जो कि तैयार हो चुके हैं, और भांग का पेड़ मैं दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसके मैं अभी कुछ टाइम बाद पकौड़े बना के खाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये भांग का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, और इसके जो है मैं इसको नहीं मिलेंगे, इसका जो है पत्ते निकाल के पकौड़े खाए जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये मौसम जो है मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, अगर बारिश लगी तो इस पेड़ से सारे पत्ते निकाल के पकौड़े बना के हम सब लोग खाएंगे। तो ये देख सकते हैं, और मेरी मधुमक्खियाँ देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और कंटिन्यू कुछ आ रही है कुछ जा रही है, देख सकते हैं आप। ये मेरी मधुमक्खियाँ हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपने होम स्टे के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिखाया है। और इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे घर से राइट से कौन सा व्यू दिखता है और लेफ्ट से कौन सा व्यू दिखता है, और आप जो है मतलब वन विहार के लिए कैसे जा सकते हैं, और वन विहार से आपको क्या देखने को मिलेगा, और आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप कहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे सुविधा उपलब्ध रहेगी। और रात को अगर बॉन फायर करना है उसके लिए भी जो है फुल्ली मतलब जगह मैंने बना रखी है, और मतलब ज़्यादा नहीं, अब 15 या 20 दिन का ही काम रह गया मेरे पास, और 20 दिन बाद जो है मेरा होम स्टे तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि 2 से 3 दिन का काम रहता है, वो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है अपना होम स्टे रेडी है। तो उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम से ही मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस वीडियो में अलविदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।